हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज रात 8 बजे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी महामुकाबले में उतरने वाली है अपने घर से बाहर अवे मुकाबले में ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, और ये मैच शुरू होगा आज रात 8 बजे से। तो दोस्तों, आप सभी को याद ही होगा कि डूरन कप 2023 के सेमीफाइनल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को हार का सामना करना पड़ा था इसी ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में ही। तो दोस्तों, जुआन पेड्रो बिनाली की टीम के लिए ये एक बदले वाली मैच जरूर होगी। तो आप सभी को याद ही होगा उस मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ईस्ट बंगाल एफसी से भी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, लेकिन होम सपोर्ट के कारण ईस्ट बंगाल एफसी थोड़ी सी ज्यादा एडवांटेज मोड पर थी और वहां पर ईस्ट बंगाल एफसी उस मैच को लेकर चली गई। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस किया था उस सेमीफाइनल के मैच में। तो दोस्तों, ये एक बदला वाला मैच है और जुआन पेड्रो बिनाली के लिए एक सिरदर्द है क्योंकि इस मैच में अवेलेबल नहीं होने वाले हैं क्योंकि कार्ड समस्या के कारण सस्पेंडेड रहेंगे मोरक्को सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर, जो अभी फिलहाल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए हर एक मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मोहम्मद अली बिमामर अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद अली बिमामर अगर नहीं है तो यहां पर देखना यह होगा कि जुआन पेड्रो बिनाली का टैक्टिक्स और फॉर्मेशन इस मैच में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, बात करें अगर लाइनअप के बारे में, विदाउट मोहम्मद अली बिमामर कैसा हो सकता है इस स्ट्रांग टीम ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का, तो 4-3-3 का फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। जुआन पेड्रो बिनाली, गोलकीपर मिर्शाद मीचू, राइट बैक के पोजीशन पे दिनेश सिंह, लेफ्ट बैक के पोजीशन पे तुंडुम्बा सिंह, और यहाँ पर आशिर अख्तर की जगह यासिर हामिद हम सभी को दिख सकते हैं, और मिचेल जुबैक को, यानी कि दो फॉरेनर सेंटर बैक के साथ हम सभी को दिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की टीम। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि मोहम्मद अली बिमामर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मिडफील्ड से डिफेंस को, जिसके कारण डिफेंस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट दिखता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का। लेकिन आज के मैच में मोहम्मद अली बिमामर नहीं होंगे तो इसी के कारण यहां पर दो फॉरेनर सेंटर बैक के पोजीशन के खिलाड़ी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस प्लेइंग 11 में ईस्ट बंगाल एफसी जैसी स्ट्रॉन्ग लाइनअप के खिलाफ। और वहीं बात करें मिडफील्डर्स के बारे में, तो प्रज्ञान गोगोई डिफेंसिव मिडफील्ड में दिख सकते हैं, और बाकी के मिडफील्डर्स होंगे रोमेन फिलिफुटू और फाल्गुनी सिंह। राइट विंग के पोजीशन पर यहाँ पर मैं रिडिन प्लांग को देखना चाहता हूँ, और लेफ्ट विंग के पोजीशन पर पार्थिव गोगोई पक्का खेलने वाले हैं, और स्ट्राइकर के पे क्रिएटिव खिलाड़ी नेस्टर अल्बियाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये लाइनअप हो सकता है ईस्ट बंगाल एफसी जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का। और बात करें लाइव टेलीकास्ट के बारे में, तो आप सभी को पता ही है कि जियो सिनेमा ऐप पर आप देख सकते हो अगर आप मोबाइल पर देखना चाहते हो, और अगर आप टेलीविजन पर देखना चाहते हो तो स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क पर यह मैच अवेलेबल होने वाला है। तो चलो दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।